हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर टॉपिक अवर टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की हम लोग फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेशन उसके क्लासिफिकेशन मैकेज ये सब लोग ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेशन ड्रग एक्स के कॉम्प्लेक्सेशन में कैसे ड्रग का एक्शन होता है और हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन बाइंडिंग ठीक आज हम लोग इस ये यूनिट पूरी यूनिट कंप्लीट कर लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन ठीक तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्सेशन और ड्रग एक्शन क्या होता है कॉम्प्लेक्सेस कैन अल्टर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग बाय इनिबिटिंग इंट्रैक्शन विद रिसेप्टर द एक्शन ऑफ द ड्रग टू रिमूव टॉक्सिक मेटल आयन फ्रॉम ह्यूमन बॉडीज इज थ्रो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन इन सम इंस्टेंस कॉम्प्लेक्सेशन Also can lead to poor solubility or decrease absorption of drug in the body. Equus solubility of tetracycline decreases substantially when it complex with calcium and, and co-administration of some drug which anti-acid decreases absorption from the gastrointestinal tract. Drug complexion with hydrophilic compound and also can enhance excretion. So. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था आ, कि कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ किसी भी ड्रग के एक्शन में तो क्या इफेक्ट डालता है ठीक आज हम लोग इसमें यही पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ किसी भी ड्रग एक्शन का तो वो क्या इफेक्ट डालता है ठीक जैसे कि हम लोगों ने पैरासीटामॉल ले ली ठीक पैरसिटामोल किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आ, फीवर को कम करने के लिए ठीक अपनी बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा पैरासीटामोलॉल है वो हमारी सेल या टिश्यू पे जाती है ठीक वो हमारे सेल टिश्यू से किस में ब्लड पे जाती है तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे टेम्परेचर को कम कर देते हैं ठीक अब जो हमारी ड्रग हमारी प्रोटीन प्रोटीन पे गई ठीक तो उसने क्या किया हमारी ड्रग को प्रोटीन के साथ बाइंड किया और जो एक्शन हमारा एक्शन हमारा शो हुआ तो जो इफ़ेक्ट हुआ हमारा वो टेम्परेचर हमारा कम कर दिया उसने ठीक किसने हमारे ड्रग जो है वो प्रोटीन बाइंडिंग के साथ मिलके हमारे टेम्परेचर को कम कर दिया ठीक प्रोटीन जो हमारी प्रोटीन हमारी बाइंड uh, होती है रिसेप्टर के साथ और असर करती है या नहीं करती है अगर हमारे कोई भी ड्रग पहले ड्रग uh, हमारी प्रोटीन के साथ मिल जाती है तो प्रोटीन बाइंड प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है ठीक तो वो क्या करती है हमारी बॉडी में असर करने लगती है ठीक और अगर हम लोग इनिबिट ड्रग एक्शन अगर हमारा uh, इनिबिट ड्रग एक्शन है तो क्या होता है कि उस वो रिसेप्टर के साथ रिसेप्टर uh, के साथ ड्रग मिलके उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देती है हमारी बॉडी पे ठीक अब जैसे कि किसी किसी इंसान ने किसी व्यक्ति ने अगर पॉइजन लिया है तो पॉइजन क्या करता है अगर हम अगर हमें ये पता है कि वो पॉइजन कौन सा है उसी के उसी के ही हिसाब से हम लोग उसका एंटीटोट एंटीडोट देते हैं ठीक तो हम अगर हमारी बॉडी में पॉइजन गया है उसके बाद हमारी जो इनबिट ड्रग एक्शन क्या करती है रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और एक्टिव साइड पे हम लोग क्या देते हैं एंटीडोट तो वो क्या करती है हमारी प्रोटीन के साथ बाइंड करके और पॉइजन का असर कम करती है अगर हमारा उसके साथ प्रोटीन के साथ नहीं बाइंड कर पाएगी तो वो ड्रग हमारी बॉडी पे एक्शन शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाएगी ठीक अब आता है हमारे इसके एग्ज़ाम्पल्स तो एग्जाम्पल्स में क्या है जैसे कैल्शियम प्लस टेट्रा क्या है? करती है पोलियो एब्जॉर्ब करती है कॉम्प्लेक्स जिसको हम क्या बोल ये हमारा क्या कर क्या करता है फूड ड्रग इंट्रैक्शन करता है पोलर ड्रग और प्लस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मिलके हमारे हमारे क्या करते हैं वेल एब्जॉर्ब लिक्विड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ठीक अब हमारी जैसे कि कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ अ ड्रग इन द जीआईटी फ्लुइड्स में अल्टर रेट एंड एक्सटेंड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ अ ड्रग अगर हम जीआईटी फ्लू जीआईटी तक हमारी जो भी ड्रग्स जाती हैं वो क्या करती हैं एक्सटेंड करती है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को ठीक ये ओवरऑल हमारा पूरा क्या था कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन बाइंडिंग ए फिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विद प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग अब हम पढ़ेंगे कि हमारी प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है ठीक इस फिनोमिना को जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो कोई भी दो ड्र, ड्र, कोई भी दो या दो से ज़्यादा स्पिसीज हमारी बॉन्ड फॉर्म करती हैं ठीक तो वो अटैच होती अटैच अगर वो अटैच होती है तो उसे क्या उस को क्या बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स और उस फिनोमिना उस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेशन ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था कॉम्प्लेक्स सेशन में ठीक तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो फिनोमिना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का किसी भी ड्रग के साथ जो प्रोटीन के ड्रग हमारी प्रोटीन के साथ मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग ठीक तो अब क्या होता है एज अ प्रोटीन बाउंड ड्रग इज नैदर नेटेबलाइज और एक्सट्रैक्टेड इट इज़ फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव ड्यू टू इट्स फार्माकोनाइ फार्माकोनाटिक एंड फार्माकोडिक इंटरनेस तो हमारी जो प्रोटीन होती है वो ड्रग के साथ अगर बाइंड हो गई तो क्या होगा हमारा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाएगा ठीक कि अगर कोई भी ड्रग हमने ली है वो हमारी बॉडी में सेल टिश्यू से होकर हमारे ब्लड तक पहुंचती है फिर उसके बाद हमारे प्रोटीन के साथ बाइंड करती है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स ओके प्रोटीन बाइंडिंग में भी डिवाइडेड इनटू प्रोटीन बाइंडिंग हमारी दो दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है फर्स्ट होती है इंट्रासेलर बाइंडिंग और सेकेंड होती है हमारी बाइंडिंग ठीक तो और बाइंडिंग में क्या होता है कि हाँ, बाइंडिंग ऑफ ड्रग प्रोटीन जनरली रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबल क्या होता है कि जब हमारी ए ए सपोज हम लोगों ने ड्रग लिया ठीक ए हमारी ड्रग है और बी हमारा क्या है प्रोटीन बाइंडिंग ठीक तो जो हमारी ए, ए हमारी जो ड्रग है वो हमारी अगर प्रोटीन बाइंड प्रोटीन के साथ बाइंड होती है ठीक प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है तो वो क्या करती है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है हमारी बॉडी पे और दवा असर करना शुरू कर देती है ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि अगर हमारी प्रोटीन और ड्रग हमारी अगर आपस में अलग हो जाए अगर उस प्रोसेस में हमारी ड्रग और बाइंड प्रोटीन बाइंडिंग अलग हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल ठीक और अगर हमने ड्रग लिया और प्रोटीन बाइंड अगर हमारी ड्रग है और प्रोटीन बाइंडिंग के साथ बाइंड हो गई है उसके बाद अगर हमारी ड्रग अलग नहीं हो रही है तो उस एक्शन में क्या शो होगा हमारा इ एक्शन ठीक समझ आया तो इसी हिसाब तो हमें मेन हमारा क्या है रिवर्सिबल ही हम लोगों को पढ़ना है मेन हमारा क्या प्रोसेस होता है रिवर्सिबल ठीक तो अभी मैंने बताया कि रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग किस तरीके से होती है ओके रिवर्सिबल जनरली इन्वॉल्व वीक केमिकल बाउंड एज रिवर्सिबल uh, जो हमारी होती है वो वीक केमिकल uh, बॉन्ड्स के साथ के, uh, किस तरीके से शो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड वेंडरवॉल फोर्स फोर्स के थ्रू ठीक है किस किन किन बॉन्ड्स के थ्रू होती है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड और वेंडरवॉल फोर्स के बॉन्ड एरसिबल ड्रग बाइंडिंग थ्रू रेट एज अ रिजल्ट ऑफ कोवेलेंट बाइंडिंग एज एंड ज ऑफ्टन अ रीज़न फॉर अ कॉर्निकोजेनेटिक और टिश्यू टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग ठीक जैसा कि अभी मैंने बताया कि इरिवर्सिबल में क्या होता है हमारी जो ड्रग होती है वो प्रोटीन से अलग नहीं होती है ठीक आ, वैसे तो ये ड्रग जो होती है हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी बट ये हमारी ड्रग प्रोटीन से अलग अगर नहीं हो रही है तो वो प्रोसेस कहलाएगा हमारा इरिवर्सिबल ओके इफ़ेक्ट ऑफ प्रोटीन प्रोटीन बाइंडिंग के क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे अगर हमारा एब्जॉर््पन में क्या होता है एज एज वी नो द कन्वेंशन फॉर्म फॉलो फर्स्ट ऑर्डर सो व्हेन देयर इज़ मोर प्रोटीन बाइंडिंग देन इट डिस्ट्रीब्यूट द एबजॉर्बन इक्लिब्रियम ठीक ये हमारे डोजेस फॉर्म जो होती है वो हमारे एबजॉर्प्शन में किस में ए डी एम ई में जाके किस तरीके से वर्क करती है डिस्ट्रीब्यूशन में कहते हैं प्रोटीन बाउंड ड्रग इज़ अ पर्टिकुलर डज नॉट डज नॉट क्रॉस द बीबी बी द प्लेजेंट ऑफ बैरियर द ग्लोमटस दस प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है हमारी बॉडी ए में किस तरीके से जो ड्रग होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मेटाबोलिज में क्या होता, metabolized. में क्या होता है प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज द मेटामोल ड्रग इनहस द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ओनली अनबाउंड फैक्टिंग गेट मेटाबोलाइज इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं फेनाइल ब्यूटाजोन और सल्फोना माइंड ठीक एलिमिनेशन कहता ओनली द अनबाउंड ड्रग इज कैपेबल ऑफ बीइंग एलिमिनेटेड प्रोटीन बाइंडिंग प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द ड्रग टू द दटाबोलाइज ऑर्गन लीवर एट द ग्लोमरस फिल्ट्रेशन इसमें क्या है एलिमिनेशन में क्या एग्जांपल आएगा ट्रेट्रोसाइक्लिन इज एलिमिनेटेड मेनली बाय ग्लोमुलर फिल्टरेशन ठीक ये हमारे क्या आते हैं फोर ये हमारी क्या आती है इफेक्ट्स ऑफ प्रोटीन की हमारी प्रोटीन बाइंडिंग किस पिछ पे कित क्या क्या इफेक्ट करती है फर्स्ट किस में अब्जॉर्बशन में डिस्ट्रीब्यूशन में मेटाबॉलिज्म में और एलिमिनेशन में ठीक अब आता हमारा सिस्टमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग लिपोप्रोटीन एक्ट एज अ व्हीकल फॉर हाइपोफोबिक ड्रग लाइक like, क्या करती है सॉल्युबिलिटी हमारी किस ड्रग कैसे शो करेगी किसमें किसमें स्ट्रॉयड हैपरिन ऑयल और सॉल्युबल विटामिन पर ड्रग एक्शन कैसे शो होगा प्रोटीन बाइंडिंग इनएक्टिवेट द ड्रग बिकॉज सफिशेंट कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग कैन नॉट बी बिल्ड अप इन द रिसेप्टर साइट ऑफ एक्शन ठीक एक ड्रग एक्शन हमारा जब प्रोटीन बाइंडिंग के साथ प्रोटीन बाइंडिंग के साथ ड्रग हमारी बाइंड हो जाती है तो हमारे रिसेप्टर पे क्या साइट ऑफ एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है ठीक एग्जाम्पल नेपथो क्यूनोन सस्टेन रिलीज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ड्रग प्रोटीन इन द ब्लड एक्ट ए रिजर्वर एंड कंटिन्यूसली सप्लाई द फ्री ड्रग इसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा सर्मािन सोडियम प्रोटीन बाइंडिंग फ्रॉम एंटी ट्रिपनसोल एक्शन